अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने बेटे की बर्थडे का व्लॉग और अपने हाइलाइट्स इसकी देख ली होंगे। तो ये जी बन रही थी क्रीमी मखनी हांडी, बोनलेस चिकन था और सिंपल सी। मैंने इसकी ज़्यादा रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की और एंड में मैं इसके अंदर ये क्रीम डाल रही हूँ। आप कोई भी क्रीम डाल सकते हैं, इसके अंदर एक पैकेट ये जाएगा। थोड़ा सा मैंने भुनाई के टाइम डाला था बिल्कुल एंड में, जब फ्लेम मैं इसको ऑफ करने वाली थी, और आखिर में जो है मैं ऊपर डेकोरेशन के तौर पर वो भी डाल दूँगी। तो सिंपल सी रेसिपीज़ बनाई थी, एक ये बोनलेस हांडी बनाई थी और साथ में मैंने जो देसी चिकन का सालन होता है वो बना लिया था। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ क्लियर वो भी शेयर करूँगी डिटेल के साथ। और उसके साथ साथ मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा शौक था कि उसने कहा मैंने डोरेमोन वाला केक बनवाना है, तो वही डोरेमोन वाला उसने केक बनवाया, साथ में ब्लू डेकोरेशन मैंने करवा ली। तो अच्छी सी बर्थडे होगी। तो बर्थडे पे हम ज़्यादातर बुलाते नहीं हैं किसी को, बस घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं और इन्जॉय करते हैं, खाने को भी डेकोरेशन को भी, बच्चे भी इन्जॉय करते हैं। और इतनी सख्त गर्मी है तो बहुत ज़्यादा कुकिंग होती भी नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है वो गेस्ट वगैरह कोई भी नहीं बुलाते। ये है इसकी फ़ाइनल शक्ल। और लास्ट में प्रेजेंटेशन के लिए धनिया डाली थी, सब्ज़ मिर्च, और साथ में ये थोड़ी सी जो है क्रीम वो मैंने इस पर ऊपर डाल दी थी। कोई भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सिंपल से थे, कोई मेहमान तो आने नहीं थे, घर में ही खाने थे, लेकिन ये है कि फूड अच्छा हो, अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो इसके साथ साथ अब मैं आपके साथ दूसरी रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि है देसी चिकन की। अच्छा जी, अदरक लहसुन मैंने कूट के जो है ये भी इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको भूनते हैं। अच्छा जी, ये टमाटर जो थे मैंने इसमें फ्रीज़र वाले ऐड किए थे और इनको जो है इससे पेस्ट इसकी ज़रा अच्छी बन जाती है। ये देखें अभी अच्छे से हो गए, तो मैं अभी इधर इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अभी थोड़ा सा ताकि ये जो प्याज है इनमें थोड़ी सी कसर है, ये भी अच्छे से इनकी ग्रेवी सी बन जाएगी, फिर मैं इसमें चिकन डाल के भूनूंगी। अच्छा, ये देखें ये चिकन जो है ये अच्छे से गल चुका है, मैंने इसको चेक कर लिया है। तो इसका जो ये यखनी निकली है इसको मैं एंड में शोरबे के तौर पे यूज़ करूँगी, तो मैं पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। ठीक है, बस जब तक ये मसाला हमारा ऐड होता है, सही तरीके से मिक्स हो जाता है, फिर मैं इसको चिकन डाल के इसको भून लेती हूँ। सुनाए मैं सुनती हूँ। ये नीचे ये इसका वो आया है, हाँ हाँ ना, ये सब खोला ना, ये है असल में ये वाली ऑर्डर। अब खुदा हाफिज़ कह रही है, ये देखो यार। गरम मसाले के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये काली मिर्च एक चम्मच, जितना आपको सही लगे, तेज ना हो जाए। और थोड़ा सा इसमें मैं हाफ स्पून के करीब डालूँगी हल्दी। ठीक है बस, और अब इसकी दोबारा से करती हूँ भुनाई। और इसमें मैं ये थोड़ी सी जो यखनी है वो ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी ज़रा भुनाई अच्छे से हो जाए और ग्रेवी भी बन जाए। तो जी अब है केक कटिंग का टाइम और बच्चे थोड़ा सा म्यूज़िक इन्जॉय कर रहे थे, बर्थडे वाले सॉन्ग्स, और साथ में गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर खाने वाने का इतना शौक़ नहीं होता जितना उनको अपने गिफ्ट्स का और बलून्स का और केक की जो है वो ज़्यादा उनको शौक़ होता है। तो ये जी बेटा और बेटी मेरे, और ये जो बड़ी है वो मेरी भांजी है, तकरीबन ये एज फेलो ही हैं और एक ही घर में रहते हैं। तो जी अब बस सिंपल से घर में केक कट कर लेंगे, और केक के बाद हमने खाना खाया था बाद में, और गिफ्ट्स भी पहले ही ओपन कर लिए थे। सिंपल से सबने गिफ्ट्स दिए थे और इसको पता ही था, इसने जो जो उसने कहा था कि मुझे चाहिए तो वही हमने इसको गिफ्ट्स में दे दिए थे।
ये जैसे पंचिंग बैग आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्चों को, लड़कों को बहुत ज़्यादा शौक होता है फाइटिंग वगैरह करने का, तो इसको ये, इसने मुझे कहा था मुझे पंचिंग बैग दे, तो ये पंचिंग बैग इसको इसकी खाला ने दिया था, साथ में कुछ सूट थे और कुछ स्विमिंग क्लासेस थी, इस तरह के सिंपल सिंपल से छोटे से गिफ्ट से। तो आई होप आपने वीडियो इन्जॉय की होगी, एंड तक लास्ट में देखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।